अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जननायक फाउंडेशन जामनेर यांच्या वतीने द हेल्पिंग हँड हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे। या अंतर्गत गरजू रुग्णांसाठी लागणारे व्हीलचेअर, वॉकर, एअरबेड यासारखे साहित्य वापरासाठी मोफत देण्यात येणार असल्याची माहिती जननायक फाउंडेशनचे संचालकांनी दिली आहे। या कार्यक्रमाला जामनेर नगर परिषदेचे उपनगर अध्यक्ष अनिश शेख केलेवाले, नगर परिषदेचे नगरसेवक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय गरुड यांनी भेट दिली। ये काम खिदमते खल्क है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल बहुत ही पसंद है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी महबूब रखते हैं जो उसकी मखलूक के साथ एहसान का मामला करें और उनकी ज़रूरियात, उनकी हाजात के वक्त उनका तआवुन करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इस काम पर बहुत ही अज्र व सवाब और हदीस मुबारक में एक अजीब वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान से हटकर अगर कोई आदमी किसी जानवर के साथ भी ऐसा कोई मामला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका वो अमल कितना पसंद है। जननायक फाउंडेशन की ओर से जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुसीबत लोगों के लिए खड़े रहना ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और इन लोगों ने जो जिम्मेदारी से ये काम को अंजाम दिया है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इनको अल्लाह इस काम में कामयाबी दे और मुसीबतों की परेशानी को दूर करे और इंशाल्लाह जो भी इनको ज़रूरत है मैं इनका साथ दूँगा। जब भी ये किसी भी काम के लिए आए इंशाल्लाह मेरी तरफ से उनको पूरी पूरी मदद मिलेगी और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस काम को अच्छी तरीके से अंजाम दें। उसके लिए मुसलसल मेहनत कर रहा हूँ और ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की हमदर्दी, आप लोगों का एक सपोर्टिंग हाथ, जो मदद वाला हाथ है वो हमारे साथ इंशाल्लाह हमारी मेहनत के साथ में एनी टाइम है। मैं आपको दुआ करता हूँ और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा हर तरह से साथ दिया है और जो चीज़ लगने वाली थी जैसे व्हील चेयर, स्टील, वॉकर, इन्हें हमें डोनेट की है और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी हजरात हमें डोनेट करना चाहता है वो तो अपने मरूमिंग के साले शौक के लिए या पैसों की शक्ल में या चीज़ों की शक्ल में हमें डोनेट कर सकता है। और मैं हमारे शहर के सभी जिम्मेदारों से एक उम्मीद ये रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो हर तरह से हमारा साथ दे, सपोर्ट दे और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई है। जज़ाकअल्लाह वाकिल। मैं फरीद खान, जननायक फाउंडेशन फाउंडर सेक्रेटरी। आज जामनेर शहर में 16 अगस्त 2019 को एक यहाँ पे एक मेडिकल कैंप हुआ, रक्तदान शिविर और हार्ट चेकअप। उसके बाद में आज एक अक्टूबर के दिन मेडिकल साहित्य शुरू किया, हेल्पिंग हैंड, यानी कि इसमें जो जामनेर शहर में कोई रुग्ण है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में जिसको बेड लगता है, जो उसके घर में हॉस्पिटल बेड
अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए यहाँ से बेड मिलेगा, व्हील चेयर मिलेगा, वाटर बेड मिलेगा, और कुछ ही दिन में एक यहाँ पे शॉप एडी भी आने वाली है, वो वेटिंग पर है। और जामनेर शहर के जितने भी जिम्मेदार हैं, यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स है, ये शहर के लिए बहुत सारा जामनेर ग्रुप के लिए, जननायक ग्रुप जामनेर के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, और हर बार उनका योगदान रह रहा है, बहुत अच्छी गाइडिंग कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं उनको। और जितने भी यहाँ पे सीनियर कॉरपोरेटर्स है, इनका हमारे जामनेर जननायक ग्रुप को बहुत ज़्यादातर अच्छी तादाद में मदद है, और हम आशा करते हैं कि जो भी हेल्पिंग हैंड का सामान हमको लगता है, और जामनेर शहर के कॉरपोरेटर की तरफ से हमको बहुत सारी मदद मिलने वाली है, और इंशाल्लाह मिल रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जामनेर शहर के बुज़ुर्ग का और जवान ग्रुप्स का जो है कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मंजर यह है कि जामनेर के कई कॉरपोरेटर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने वादा भी किया है कि आपको हर चीज़ की मदद के लिए हम आपके साथ में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये जननायक फाउंडेशन जामनेर के प्रोग्राम को एक सामाजिक संस्था का प्रोग्राम ना समझते हुए, एक कौमियत एहलियत का प्रोग्राम समझ के सबसे पहले जामनेर शहर के जो कॉरपोरेटर से और जिम्मेदार से और यहाँ के जो भी कौम के बड़े हैं वो पहले पहुँचते हैं। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।